मुझे इस कॉल की तवक्को नहीं थी। उठा लो, बात कर लो। सुबह बात कर लूंगी, अभी किसी से बात करने की हिम्मत नहीं है। आप भी सो जाएं, बहुत लेट हो गए। लाइट्स ऑफ कर दो। तुम क्या कह रही हो? मोहसिन, देख, जोया से बेहतर ना अरुषा को कोई नहीं जानता। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कुछ भी कह रही है ना, ठीक कह रही है। अरे ऐसे ही तो नहीं, वो इतने हफ्तों से घर आकर बैठ गई है, जरूर कोई ना कोई बात है। मुझे अरुषा वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। जज्बात काबू में ना रहे तो जुबान भी बेकाबू हो जाती है। अरुषा ने सिर्फ मुझ पर एतबार किया, मुझे अपना समझा, और मैंने उसके एतबार को तोड़ डाला। साहिमा, आप ही मासूम नहीं हैं, बेकसूर नहीं हैं, मुजरिम हैं, गड़बड़ करती हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी गलती की सज़ा अरुषा को दूँ। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? वो जो तुम्हारी सच्ची पक्की सहेली है ना जोया, जो तुम्हारी राजदान भी है, उसी ने बताया कि तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों ने चोरी के इल्जाम में घर से निकाल दिया और तुम अपने घर आ गई हो। उसने ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं बताई, मेरे ससुराल वालों को भी बताई है। और अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है ना, तो मेरे लिए तो डूब बनने का मुकाम है। इससे ज्यादा बेइज्जती तो मेरी हो ही नहीं सकती यहाँ पे। सोया ने सबके सामने कह दिया, मुझे यकीन नहीं आता वो ऐसा कैसे कर सकती है। यकीनन कुछ हुआ होगा, कोई बात हुई है, मगर उसका फोन अटेंड ना करना जाहिर करता है कि वो शर्मिंदा है।